हेलो एवरीवन, धनिया साफ़ कर रही थी मैं चाय पीते पीते। मैंने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं, धनिया भी साफ़ हो जाता है। पापा जी आए थे उसी समय, और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, एक तरफ मैंने सोचा वो आज शाही पनीर के लिए बोल रहा था आशु, तो मुझे लगा चलो शाही पनीर बना लेते हैं। पापा जी को भी फिर पनीर के साथ मैं थोड़ी सी कोई वैसी सब्ज़ी बना के दे दूँगी, दाल वगैरह। देखते हैं अब दाल बनेगी क्या बनेगा पनीर के साथ में। पापा इतने शौक़ से पनीर खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने बना लिया था, रखा हुआ था, ये ले आए थे एक दिन पहले। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ शाही पनीर के मसाले की। अब इसकी ग्रेवी मैं कैसे बनाऊँगी, मैं थोड़ा सा ये खड़ा मसाला लूँगी तड़के में, मैं ये डालूँगी। बाकी मैंने 2 प्याज 3 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, 4-5 जवे लहसुन के पास, ये सारी चीज़ें मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी थी। सारी मैंने थाली में एक साथ काट के रख ली थी। और जब ये चटक जाएगा खड़ा मसाला, मैं इसी के अंदर ये सारा मसाला डाल दूँगी। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा मैं इसको पीस लूँगी। इसमें काजू भी डाले थे मैंने, 8-10 पीस काजू भी डाल दिए थे मैंने इसमें। और ये सारी चीज़ें मैं जब ठंडी हो जाएंगी तो मैं एक साथ पीस लूँगी। अब पहले मैं चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि इतने वो मसाला ठंडा हो रहा था तो मुझे लगा मैं चटनी पीस लेती हूँ। चटनी में मैंने आधी आमी डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, धनिया और मिंट का जो क्या बोलते हैं धनिया, और देखना नाम याद नहीं आ रहा, पुदीना पुदीना डाला था, हरी मिर्च डाली थी और वो काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने चटनी में डाली थी। चटनी में पीस कर रख लूँगी। देखो चटनी कितनी अच्छी पीसी है, इतने सारे धनिया में पुदीने में इतनी चटनी बनी है। ये सब वैसे मैं 1 हफ्ते तक भी हमारे चल जाती है, फ्रिज में रख लेते हैं। कुछ भी बनाती हूँ नमकीन चावल वगैरह के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को चटनी। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। मैं बनाऊंगी खट्टी मीठी आमी की। पापा जी ने कोई सब्जी बोल दो या मुरब्बा बोल दो या कुछ भी बोल दो, मतलब कच्ची आमी की कुछ इस तरीके से नई तरीके की कोई सब्जी बनवा रहे हैं पापा जी मुझे बता करके। वो देखो आज ही आए, आज ही उन्होंने इतना सारा काम कर दिया, वो खुद ही बनाने जा रहे थे। मैंने कहा नहीं पापा जी गर्मी हो रही है, आप बैठ जाओ मैं बना लूँगी, खुद बताते रहो बस मुझे। तो पापा जी ने कहा एक भगोने में पानी रखो, उसमें हल्की सी हल्दी डालो और नमक डाल दो और उसको हल्का सा एक उबाल लगा दो आमियों को। अच्छा ये ज़्यादा आमी खट्टी नहीं थी मेरी, थोड़ी नॉर्मल सी। देखो आते ही काम करना स्टार्ट कर दिया है पापा जी ने, कच्ची आमी की सब्जी बना रहे हैं पापा जी के स्टाइल में। अपनी स्टाइल की सब खाते हैं, पापा जी के स्टाइल की खाएंगे आज। आशीना बनवाई देखिए आ जाए, कोई ये मत बोलना कि आते ही काम कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, वो खुद करते हैं, उनको खुद को बहुत शौक है अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने का, कोई ये मत कहना ठीक है ना। उन्होंने खुद बनाया ही कहेंगे देखो जाते काम कर रहे हैं हम। और इसमें देखो एक उबाल आ गया है, इन्हें मुझे अलग निकालना है, पापा जी ने कहा बस एक ही उबाल आना है, इनको गलानी नहीं है, हल्की सी इनको सॉफ्ट करनी है बस, बहुत बुरी तरीके से गलानी नहीं है। अब इनको मैं निकाल कर अलग रख लूँगी, पहले इनको निकाल कर अलग रख लूँगी। इतने मेरा मसाला ठंडा हो रहा है, सब्ज़ी बनाऊँगी मैं बाद में शाही पनीर की। मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं पहले। अब देखो ये हो गई है, पापा जी कह रहे थे इनको निकाल लो, अब इनको निकाल के फिर इसमें तड़का लगाना है, बहुत हल्का सा तड़का लगेगा। 2 चम्मच देसी घी डालना है एक फ्राई पैन में, और 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला पहले इसमें। गुड़ मेरा थोड़ा सा बेकार हो गया था, बहुत काला हो रहा था, तो पापा जी ने कहा इसका मत बनाओ चीनी की बना लो, नहीं तो गुड़ का बनाने वाले थे वो तोड़ रहे थे ना बैठ के, वो गुड़ ही तोड़ रहे थे, बहुत काला काला सा था,
पापा ने कहा चीनी का अच्छा लगेगा, चीनी का बना लो। मैंने इसे 3-4 चम्मच चीनी डाली है, बल्कि एक ढक्कन भर के डाला है 3-4 चम्मच नहीं, क्योंकि वैसे तो आमी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, बहुत खट्टी होती तो और ज़्यादा चीनी पड़ती, थोड़ी मीठी मीठी सी आमी होती है ना वो थी। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है और जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, मतलब एक चाशनी सी बन जाए चीनी की, जब तक हमें इसे पकाना है। पापा जी ने कहा था इसको जब तक पकाना, जब तक इसको चाशनी सी ना बन जाए, क्योंकि इस पर ये एक तरीके से ना आम, कच्चे आमी की कैंडी टाइप की बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी, बना के देखना। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ईजी तरीके से बनी है, मुझे तो खुद ना तो अब की बात फिर से बनाऊंगी, अभी तो मेरी थोड़ी सी बची हुई है, मैं कल से लगी पड़ी हूँ खाने में उसको, चलते फिरते खा लेती हूँ मैं, बहुत अच्छी लग रही थी। देखो ये हो गई ना थोड़ी चाशनी सी, चाशनी सी के बाद मतलब होने के बाद इसके इसमें हम आमी डाल देंगे, और इसमें थोड़े से पापा जी ने मसाले डलवाए थे, जैसे कि सौंफ, इसी में मैं सौंफ डाल दूँगी चाशनी में, नमक डाल दूँगी और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये 4 चीज़ें मैंने डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला था, 4-5 चीज़ें डालकर, और इसमें मैं आमी डाल दूँगी, वो जो रखी हुई है स्टीम रखी हुई लगी हुई, ये डाल दूँगी, खूब अच्छे से ना चला लूँगी। जब ये बिल्कुल चाशनी इस पर चिपक जाएगी ना, जब तक इसको हल्की करके गैस बंदी करके उस पर मैं इसको भूनती रहूँगी, आमी को चलाती रहूँगी इसको डालकर। गाइस बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, वैसे मैंने पहली बार इस तरीके से बनाई है सब्ज़ी, तो हम बनाते हैं पतली तरी की, ये मैंने पहली बार बनाई थी और अच्छी भी लग रही थी। जैसे एक ही तरीके के खाते खाते बोर हो जाते हैं, या फिर एक ही टेस्ट बार बार, इस तरीके से बना के देखना आप लोग, ऐसी घूमते फिरते ही खा जाओगे। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। इसमें सारे मसाले, वो चटपटी जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से मिर्ची डाल लेना, मैंने ज़्यादा मिर्ची डाली नहीं थी क्योंकि बच्चे भी खाने वाले थे मेरे साथ में, मेरी बेटी को भी अच्छी लगी, मैंने इसमें गुठली भी डाली थी, गुठली तो बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। पापा जी ने मुझे भी पहली बार ही बना के दिखाई है, मतलब मेरे से बनवाई है या खुद ने बनाई है, वो खुद ही बना रहे थे, मैंने चलो मैं खुद बना लेती हूँ। वो अभी आए थे ना वो मोदीनगर से, और इतनी गर्मी है, आते के साथ उनको काम पर थोड़ी ना लगाया जाता, मैंने खुद कर ली थी, तो अच्छी लग रही है ना। चाहे इसे ढक के पका लेना, मैंने तो बिना ढके ऐसी पका ली थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने ढक भी दी थी इसको, देखो ऐसी पका रही हूँ मैं चला चला के इसको, और थोड़ी देर में बहुत ही बढ़िया बन गई थी ये, और मैंने इसको फिर ढक दी थी थोड़ी सी देर के लिए, मुझे लगा चलो थोड़ी ढक देते हैं, कभी ज़्यादा कच्ची कच्ची सी रह जाए। ये मतलब घुटती भी नहीं है, इसके स्लाइस से रहते हैं, बिल्कुल कैंडी लग रही थी ये, मैंगो कैंडी। और मैं आ गई थी अपनी शाही पनीर बनाने के लिए। अब मैंने क्या करा था, पहले मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाला था, जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें मक्खन डाल दिया था, और बाकी मैंने इसमें सारे मसाले मैंने लगा ही लिए थे, खड़े मसाले, मुझे और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसमें सारा ये पिसा हुआ जो मसाला रखा हुआ है, मतलब ग्रेवी तैयार करने के लिए जो मैंने ये प्याज वगैरह जो पीसी थी, इसमें काजू वगैरह जो डाल रखे थे, काजू, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों का पेस्ट था जो मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही, अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया था, फिर मैंने इसे पीस कर, और अब मैं इसकी सब्जी छोक रही हूँ। बहुत ईजी हो जाती है ये, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल, देखो गाइस मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि ऐसी सब्जियों में थोड़ा तेल भी अच्छा लगता है, और थोड़ा मैं इसमें मक्खन डालूंगी, आप चाहो तो तेल की जगह देसी घी भी डाल सकते हो, मैंने घी नहीं डाला था, पापा जी को ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे घी की, ऊपर से घी खाना तो पसंद है, घी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती उनको, तो मैंने मक्खन डाल दिया था। अब इसमें ना मैं यही मसाला डाल दूंगी, और इस तरीके से हम कभी कभी सब्जियां बनाते हैं तो बड़ी अच्छी सी भी लगती है। वैसे मेरा मन था पहले मैं नान बनाऊं साथ में, लेकिन मैंने नान नहीं बनाई थी। अब मैंने जैसे ये, क्योंकि एकदम से हम मक्खन डालते हैं ना वो जलने के उस पे आ जाता है, तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, जैसे ही तेल और मक्खन हो गया था गर्म। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी थी इसमें कलर के लिए, क्योंकि कलर उससे अच्छा आता है, देखो कैसे झाग झाग हो गए मक्खन से, वो डाल दिया ना मसाला मैंने। इसको खूब अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसाले से, जब ये अच्छे से भून जाएगा तो बहुत हल्की सी मैं इसमें लाल मिर्च लगाऊंगी। मैं पहले इसको पूछ रही थी इसके जार को, इसमें बहुत सारा चिपका रह जाता है, क्योंकि इसमें काजू होता है तो वो क्रीमी सा चिपका रह जाता है। अब इसको सारे को निकाल लूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि वेस्ट करने से देखो कोई फ़ायदा तो है नहीं, ढक्कन में भी इतना चिपका हुआ था, मैं धीरे धीरे सब निकाल लूँगी।
फिर इसी में मैं मसाले डाल दूँगी, थोड़ा धनिया पाउडर, बहुत हल्की सी हल्दी लगाऊंगी, कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा आया था सब्ज़ी का, बहुत हल्की सी हल्दी लगाकर थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लगाऊंगी इसमें और धनिया पाउडर लगाऊंगी बस। बाकी खड़े मसालों का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसमें क्योंकि मैंने सब खड़े मसाले इसमें पीस दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे मैंने, बहुत हल्के से डाले थे ताकि अच्छी अच्छी सी खुशबू आए। और मैं इसमें कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, आप लोग डाल लेना, मैं भूल गई थी, मुझ पर रखी तो बहुत सारी है, बस बातों बातों में पापा जी से बातें करते करते सब्ज़ी बना रही थी ना तो मैं बातों बातों में भूल गई। फिर इसके अंदर जब ये मसाला, जब मेरा मसाला ये अच्छे से भुन जाएगा, ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो मैं पनीर डाल दूँगी। मुझे लग रहा था ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी, देखो खूब खोल गई थी, मैं 2-4 मिनट पनीर डाल के इसको पका लूँगी क्योंकि पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, फिर वो सॉफ्ट नहीं रहता, टाइट हो जाता है। और बन गई है मेरी सब्ज़ी भी, देखो गाइस खूब अच्छी सब्ज़ी बन गई थी मेरी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी बेटी ने फिर मेरी चेक करके देखी थी, मैंने एक बार खा के देखी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँगी मैं। और खा लीजिए आप लोग भी, मैंने बहुत अच्छे से प्लेट लगाई है आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी खा लीजिए। बाय।